हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेश पाराशर, फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से, और आपका सबसे चहेता चैनल नॉस्ट्रम स्टडी पॉइंट, जिसका मतलब है रामबाण। और बच्चे आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सब कुशल पूर्वक होंगे, कुशल मंगल होंगे। वीडियो आने में थोड़ा विलंब हुआ, उसका कारण था इंटरनेट वगैरह, जिससे नहीं हुआ। इंटरनेट वाईफाई की सुविधा हो चुकी है। वीडियो इस पार्ट वन के बाद ही, तो मैं पार्ट टू तुरंत देखने के कुछ देर बाद ही आपको वीडियो सेकंड मिल जाएगी। देखिए बच्ची, हमने जो पार्ट स्टार्ट किया था, ये ट्वेल्थ वाली फिजिक्स थी, और ट्वेल्थ वाली फिजिक्स में हमने लिया था करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, याद है ना? ये मैंने कहा था, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत कारगर रामबाण है, जो बच्चे 11 से 12 में आए। क्लियर है? बोर्ड को पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, नीट में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहां से, एयरफोर्स, एनडीए, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, नेवी में बड़े अच्छे नंबरिकल पूछता है, वो सारे पॉइंट यहां से होते हैं। अब मैंने ये कहा था, हम आज जो बात करेंगे बच्चे, वो रेसिस्टेंस पे करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने एक किस्सा सुनाया था, याद होगा वो आप सबको। रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस, जिसे हम हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं, सही रेजिस्टेंस वो होता है जो करंट को, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज को, का जो अपोज करता है। अरे सीधी भाषा में कह दो ना सर, करंट का अपोज करता है, करंट को रोकने का काम करता है, वो कौन करता है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। बात समझ आई? और इस रेजिस्टेंस पे आज न्यूमेरिकल कराऊंगा। मैंने कहा था हमारी वीडियो में 5 टाइप्स होंगी, 5 टाइप होंगे। हकीकत में बताइए बच्चे, पांडव कितने थे? 5। तो टाइप भी हमारे 5 है। क्लियर है? और वो 5 टाइप्स कौन कौन से हैं, ध्यान से सुन लेना। आज टाइप नंबर 1 कराऊंगा, उसके बाद टाइप नंबर 2, 3, ऐसे आपको वीडियो मिलती चलेंगी। क्लियर है? टाइप 1 के क्वेश्चन कराऊंगा बच्चे। ये 5 टाइप करने के बाद आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन करना, लो टू हाई लेवल, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे चुटकियों में। क्लियर है? बशर्ते कि मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं आप विश्वास बनाए रखेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे। देखिए बच्चे, सबसे पहले आज टाइप 1 डालिए, और इसको कराने का मेरा मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि सर, अगर गलती से भी रेजिस्टेंस समझ में आ गया ना, तो इंडक्शन, इंडक्टर और कैपेसिटर, धारिता वाले क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। क्लियर है? जस्ट उसका उल्टा प्रोसेस है। तो ध्यान देना, आज स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे हम टाइप 1। नोट बुक में नोट कर लेना, टाइप 1 रेजिस्टेंस के क्वेश्चन टोटल 5 टाइप्स में से डिवाइड कर रखा है। छठी टाइप एक और है, वो वक्त आने पर बताऊंगा। देखिए टाइप 1 में क्या कहता है, पहले तो मैं आपको बताऊं, रेजिस्टेंस जो होता है, एक होता है बच्चे सीरीज और एक होता है पैरेलल। क्लियर है? सीरीज को बच्चे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम, और इसे बोलते हैं बच्चे समांतर क्रम। देखिए कैसे, अगर जब भी कभी रेसिस्टेंस ऐसे है, ऐसी 10th क्लास में तुमने पढ़ा था, ये ए है और ये बी है, जब भी रेसिस्टेंस ऐसा है, सीधा सीधा है, तो वो सीरीज है। पैरेलल कब बोले जाते हैं? अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए, ऐसे। अब सुनना ध्यान से, ये कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि मैं तुम्हें न्यूमेरिकल करा रहा हूं, हर बच्चा ये सोचेगा कि सर आज आप गेम खिला रहे हो। टाइप 1 सबसे पहले ए और बी। क्लियर है? ये सीरीज है, सीरीज श्रेणी क्रम उसे कहते हैं। जब रास्ता सीधा सीधा है तो वो क्या है? सीरीज। जब रास्ते डिवाइड हो जाएं, बट जाएं, छट जाएं, अलग अलग रास्ते बन जाएं, तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर आप ऐसे क्यों बता रहे हो, बच्चे इतने खतरनाक क्वेश्चन दूंगा अलग अलग सर्किट के, आप पहचान नहीं पाओगे कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बोलता हूं मैं बार बार श्रेणी क्रम ना कहकर बच्चे सीरीज कहूंगा, और ये तो आप भी जानते हो, आज सब कोई दिक्कत नहीं, पता है। क्लियर है? पैरेलल हमेशा तब होगा जब रास्ते बट जाए। ये कोई न्यूमेरिकल नहीं, ये एक गेम है। गेम कैसा है? ए से निकलना है और बी पे पहुंचना है। क्लियर है? ये हमारा टारगेट होना चाहिए, जिसके बीच में पूछ रहा वहां तक हमें निकालना होता है। ए से अमृतसर से हमें बॉम्बे जाना है। अब देखो, अगर तुम यहां जाते तो बच्चे रास्ता सीधा सीधा है नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे? सीरीज। पैरेलल की कंडीशन में देखो, जब आप यहां से चलोगे, देखो एक रास्ता इधर बट गया, एक इधर, अरे एक बंदा चल रहा है ऐसे तो चल नहीं सकता, पैरों को खोल के अलग अलग सर, कि इधर भी चले इधर भी चले। क्लियर है? और सीधा भी चले,
तो जब रास्ते बट जाएं, डिवाइड हो जाएं, तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल कहते हैं। छोटी सी बात थी लेकिन पता सबको थी, समझना इस बात को कि ये गेम है। रास्ते डिवाइड हो जाए तो क्या है वो? पैरेलल। और सीधे सीधा तो क्या है? सीरीज। तीसरा फॉर्मूला और है, इन तीन फॉर्मूले पे बेस्ड ही सारे न्यूमेरिकल होंगे। फॉर्मूला नंबर थर्ड क्या कहता है? फॉर्मूला थर्ड कहता है, अगर देखो पहले इसे बताता हूं, सीरीज को जब भी सॉल्व करते हैं तो आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट होता बच्चे टोटल, नहीं बोलो अगर ये आर वन है, आर टू है, आर थ्री है, बचपन याद आ रहा होगा, बोलो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तीनों को क्या करते हैं? एड करते हैं सीरीज में जब होता है। पैरेलल में होता है आर वन आर टू आर थ्री, बोलो जी, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। क्लियर बच्चे, बात समझ आई? ये सब कुछ करने के बाद हमें पता लग गया सीरीज, लेकिन इसके आंसर को उल्टा करना होता है, ये याद रखना। जब भी पैरेलल कर रहे हो आंसर को उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा क्यों करना पड़ेगा? सर जी वैल्यू मिली है वन अपॉन आर इक्विवेलेंट, अगर आंसर का उल्टा करेंगे तो बोलो आर इक्विवेलेंट आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। आंसर को उल्टा करना जो बच्चा भूल जाएगा उसका आंसर गलत हो जाएगा, याद रखना पैरेलल कंडीशन में। तीसरा बेहद फॉर्मूला, पहला दूसरा और तीसरा, बस एक तीन फॉर्मूला याद रखने थे। अगर सिर्फ और सिर्फ दो ही रेसिस्टेंस, अगर सिर्फ और सिर्फ दो ही रेसिस्टेंस पैरेलल में है आर वन और आर टू, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, ऊपर करना मल्टीप्लीकेशन, आर इक्विवेलेंट आएगा, ऊपर करो गुना और नीचे करो जमा, नीचे करो एडिशन, ऊपर करो मल्टीप्लीकेशन और नीचे करो एडिशन। इसकी खास बात यह है कि इसमें उल्टा करना नहीं पड़ता। क्लियर बच्चे सबको? एनी दिक्कत? नो दिक्कत। सर तीन फॉर्मूले बताए, सीरीज होगा तो सीधा सीधा होगा, पैरेलल होगा तो वन अपॉन आर वन वन अपॉन आर टू, लेकिन आंसर को उल्टा करना होगा, और अगर दो सिर्फ और सिर्फ दो दे रखे हैं तो उसके लिए सर डायरेक्ट फॉर्मूला आपने बताया, ऊपर करो मल्टीप्लीकेशन और नीचे करो एडिशन। इतनी बात नोट कर ली, इतनी बात पची कि ना पची, अच्छे से क्लियर? ठीक है बच्चे, अब देखिए, अब मैं टाइप वन में कम से कम तुम्हें 15 क्वेश्चन कराऊंगा, 10-15 प्लस क्वेश्चन होंगे, और देखना कितने क्वेश्चन करते हो, सकता 10-15-20 क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर है जी? एक भी क्वेश्चन मेरे टाइप फाइव होने के बाद, लास्ट में टाइप सिक्स रहेगा जो बड़ा खतरनाक रहेगा, जब टाइप फाइव से नहीं हो पाएगा किसी भी से, तो उसका आखिरी समाधान टाइप सिक्स होगा। इन्हें करने के बाद किसी भी लेवल का क्वेश्चन करना, ऐसे कर लोगे मुझे। ठीक है जी, चलिए टाइप वन में बहुत सिंपल से लेके चलूंगा बच्चे, सिंपल से स्टार्ट करूंगा और हाई लेवल तक जाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन है ये ना, ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज ए दिस इज बी। ठीक है जी, क्वेश्चन दे रखा है दिस इज टू ओम थ्री ओम फोर ओम, बताइए आंसर कितना होगा? मुझे पता है तुमने वहां बैठे बैठे तुरंत कर दिया होगा, सर जी ये तो सीरीज है और सीरीज है तो क्या होगा? एड होगा, टू प्लस थ्री प्लस फोर। सर जी आपने तो बताया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, सिंपल एड कर देना, बोलो कितना आएगा? पांच चार नौ, नाइन ओम आंसर होगा, सिंपल था ना? ठीक है, चलिए मैंने कहा क्वेश्चन नंबर टू मैं आपको ऐसे देता हूं, दिस इज ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है जी, और ऐसे याद रखना, ये कोई क्वेश्चंस नहीं, ये गेम है, जो ए से बी तक पहुंचना, और ये ए से बी तक जब पहुंचेंगे तो गेम कैसे होगा बच्चे? ए से चले, ध्यान देना यहां से जब चलते हैं, बताओ इस कंडीशन पे आके जल्दबाजी मत करना, ओहो सर ये पैरेलल सीरीज नहीं, समझना, जब यहां से जाओगे तो बताओ रास्ते डिवाइड हो गए ना, डिवाइड हो गए बट गए, एक रास्ता इधर गया एक इधर गया, जब ये रास्ते डिवाइड हो गए तो बच्चे ये पैरेलल है कि नहीं है? पैरेलल है ना, तो दिस इज आर वन एंड दिस इज आर टू। पहले ऐसे करो सर, अगर इसको सॉल्व कर ले, ध्यान देना, अगर इसको सॉल्व करें तो कुछ आएगा ना, तुम अपनी भाषा में क्या बोलोगे? कुछ कुछ आएगा। अब सुनना, ये कुछ और ये कुछ, तीनों किस्म हो जाएंगे? सीरीज। बात समझ आई? सीरीज,
चलिए वैल्यू देता हूं, दो दो दो, टू ओम टू ओम टू ओम टू ओम। बताइए सर ये किसमें पैरेलल, और इसके लिए आपने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। डायरेक्ट क्या था, ऊपर करो मल्टीप्लीकेशन नीचे करो एडिशन। बोलो चार बटा में चार काट हो कितना आया, वन ओम। कितना आया बच्चे, वन ओम। अब बताओ ये कितना है, वन टू वन पर टू, टोटल कितना बन गया, दो दो चार और एक पांच, फाइव ओम आंसर हो गया इसका। क्लियर है, दो क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर, ध्यान देना बच्चे, देखना धीरे धीरे लेवल बढ़ता चलेगा जी। कोई क्वेश्चन समझना है वहां वीडियो को बार बार आप पीछे बैक करके देख सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन नंबर थर्ड बताओ, मैंने आपके पास कहा पीडीएफ पहुंच जाएगी आपके पास, ठीक है टेलीग्राम चैनल पे। ये देखो ऐसे ऐसे, लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे ना जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे फिजिक्स बाय जितेश पाराशर, वहां आप ज्वाइन कर लेना उसे, उस पे ये सारे क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। दिस इज ए दिस इज बी। अब चलिए मैं आपको वैल्यू देता हूं इसकी, वन ओम टू ओम टू ओम, बताओ आंसर कितना आएगा। आप क्या सोचोगे, सर जी ए अमृतसर से बॉम्बे जाना है, जब ये जाएगा तो बोलो ये पैरेलल बन गया, अरे डिवाइड हो गया बच्चे, जब ये पैरेलल हो गया तो दिस एंड दिस क्या है, सीरीज, और ये अलग से है। अच्छा सर अगर हम इसे सॉल्व कर ले तो कुछ आएगा, और वो कुछ इसके साथ किस में बन जाएगा, पैरेलल में, और वो क्या होगा, आंसर होगा, क्या होगा आंसर, देखो दो और एक तीन, थ्री ओम। और सर जी ये कैसे है, ये पैरेलल है, और इसके लिए तुमने डायरेक्ट बताया था क्या, थ्री इंटू में टू ओवर में थ्री प्लस में टू, बोलो तीन दूनी छह बटे पांच ओम। क्या इसे उल्टा करेंगे, नो सर, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, आंसर आ गया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पर, मैंने क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर फोर ऐसे, हर लेवल का क्वेश्चन लिया बच्चे मैंने, बहुत छोटे लेवल से बड़े लेवल तक का। कुछ बच्चे क्या, मैं दिखाऊंगा तो मैं इतने खतरनाक क्वेश्चन पूछ रखे नेवी के पिछली बार के पेपर में कि बच्चा सोच नहीं सकता था। नीट के क्वेश्चन उठा रखे थे जी, जो बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं उसके क्वेश्चन उठा रखे थे नीट नेवी के अंदर। नेवी एयरफोर्स का लेवल बहुत अच्छा लेवल होता है, एनडीएस भी अच्छा लेवल होता है, तो याद रखना इस बात को, कोई बच्चा ये ना सोचे सर इतना अच्छा लेवल कहां था है? हर लेवल करना, जब इस लेवल की तैयारी करोगे ना इस लेवल का अपना आप हो जाएगा, चूरन लगेंगे सारे क्वेश्चन। अरे सर बहुत इजी सिंपल है, क्लियर है। चलिए मैंने आपको कहा देश देश, और जो बच्चे ट्वेल्थ में आए पहली बार वो ध्यान से सुने, नोट्स बनाने प्रॉपर, ए बी, वन ओम टू ओम थ्री ओम, बताना है सबके सब कैसे हैं। अरे तुमने तो देखते ही बता दिया सर ये सबके सब कैसे हैं, पैरेलल, कैसे बच्चे पैरेलल, तो बताओ क्या इसमें डायरेक्ट लग सकता है, नो सर। कैसे लगेगा, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, अरे ये फॉर्मूला तो लगेगा। चलिए एलसीएम लो, कितना बनेगा, छह सिक्स प्लस, बोलिए दो तीन छह प्लस तीन दूनी छह, आ गया ना एलसीएम लेना तो आता होगा ना। चलिए नौ दो ग्यारह बट्टे छह, क्या इसका उल्टा करेंगे, यस सर, वैल्यू वन अपॉन आर इक्विवेलेंट की है, तो बताओ इसको उल्टा करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, छह बट्टे ग्यारह ओ आंसर। क्लियर बच्चे, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके पास स्क्रीन पर, देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, किसी भी बोर्ड का हो सारे क्वेश्चन कर देंगे बच्चे। चलिए किसी का नाम है ऐसे, ऐसे किसी का नाम है और उसी नाम को हम पूरा करते हैं, और मैंने एक ही स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाई, दिस इज ए दिस इज बी, और बच्चे मैं आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू देता हूं, दिस इज टेन ओम टेन ओम टेन ओम टेन ओम, दिस इज ट्वेंटी ओम, बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का लेवल बढ़ता गया धीरे धीरे। अच्छा अब देखिए सर, आप सोच रहे होंगे आपने गेम बताया था कि ए से कहां जाना, बी पे, चलो ए से बी चलते हैं, अमृतसर से बॉम्बे चलते हैं,
जब हम अमृतसर से बॉम्बे चलेंगे, ए से बी जाएंगे, तो बच्चे देखो ये रास्ते डिवाइड हो गए, क्लियर है? दो रास्ते डिवाइड हो गए, एक रास्ता तो सर ये जाता है, सपोज करो आपके आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो लॉन्ग ड्राइव पे, ठीक है जी, बाइक के साथ जा रहे हो, और उस कंडीशन में क्या है, बाइक के साथ जब आप जाते हो तो हमारे दो रास्ते बने, एक रास्ता ऐसे था जिसको दो स्टॉप मिले, और एक ये रास्ता था, ठीक है, एक ये रास्ता था, दूसरा रास्ता ये था, और इन दोनों में कॉमन आके मिला और पॉइंट बी पे आके पहुंच गए, ठीक है जी। चलिए ये 10 और 10 किसमें नजर आ रहा है आपको, सीरीज में, या फिर ऐसे करो इसका इक्विवेलेंट सर्किट, ऐसे करो ए को पकड़ के खींचता हूं मैं, ठीक है, बी को पकड़ को आप खींचो, ऐसे ऐसे खींचो, चलिए बी पकड़ के आपने ऐसे खींचा और हमने ए को ऐसे कर दिया, बोलो यानी देखकर, नो देखकर, चलिए ये 10 आ गया और ये 10 आ गया, अरे अब तरफ कर सकता हूं इसे, जब इसे ले जाओगे तो मैं इधर में ऐसे ले जाऊंगा, पकड़ के खींच दिया, अपने को क्या था, अपने को सर्किट बनाना था। चलिए अब देखना सर, जब यहां से चलेंगे, दो रास्ते थे, एक रास्ते को फॉलो करो, पहले ये रास्ता है, बताओ बच्चे ये सीरीज में कि पैरेलल, रास्ता सीधा सीधा है ना, सिर्फ मुड़ाई तो है, डिवाइड तो नहीं हुआ, तो ये किस में है, सीरीज, जब ये सीरीज में तो बोलो 10 और 10 कितना बनेगा 20, ये जो कुछ आएगा वो इसके साथ किस में होगा, पैरेलल में, और यहां कुछ आएगा ना तुम्हें ही पता है ना कितना आएगा, कुछ आएगा, ये कुछ और ये कुछ, तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज, वही क्या होगा तुम्हारा आंसर। चलिए करते हैं सर, 10 और 10 सीरीज हो गए, ये 20 20, बोलो पैरेलल है, 20 गुणा में 20 बटे में 20 प्लस में 20, अरे यही तो करते हैं, ऊपर करो मल्टीप्लिकेशन, बोलो 400 बटे 40 काटो, कितना आया 10, सर जी इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया है 10 10 10 10, कितना बन गया 30 ओम, सीरीज है, करेक्ट आंसर, क्लियर है? कैसा भी क्वेश्चन दे तो आप कर सकते हो ना, रास्ता देखना कौन सा कैसा है, सीरीज, रास्ता सीधा सीधा तो सीरीज है, रास्ते डिवाइड हो जाए तो वो पैरेलल कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते जा रहे हो, लेवल उठता जा रहा है धीरे धीरे। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की कंडीशन क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन देता हूं जल्दी से, आई से करना जल्दी से, पहले नोट करना सबके साथ, आई से बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया है हमने, आई से दिस इज बी, सबके सब बच्चे ये 12 12 ओम के, कितने कितने ओम के, 12 12, सब 12 12 ओम के, बताइए क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा, आप सोच रहे होंगे, कुछ सोचते रहे होंगे, कुछ ने कर भी लिया होगा और कुछ सही सोच रहे हैं अभी, ठीक है इधर ध्यान देना, देखिए बच्चे ये चारों किस्में पैरेलल है ना, डायरेक्ट तो हो नहीं सकता, पैरेलल है, 1/12 + 1/12 + 1/12 + 1/12, ये पैरेलल में ऐसे किए जाते हैं, ये बात तुमने कब पढ़ी, बचपन, ठीक है जी, वन अपना बताओ एलसीएम कितना आएगा, 12 1 + 1 + 1 + 1, 4/12, बच्चे क्या इसे उल्टा करेंगे, यस सर, पहले कट कर लो सर, 1/3 1/3, तो बच्चे ये क्या होगा, 3 होगा कि नहीं होगा, अगर ये 3 होगा तो ये भी तो 3 होगा और ये भी तो 3 होगा, तीनों सेम है नहीं, दिस दिस दिस, तीनों किस में है, सीरीज, 3 + 3 + 3, बोलो कितना बन गया, 9 ओम, करेक्ट आंसर, क्लियर है सबका, यानी देखकर नो देखकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हमें थोड़ी सी स्पीड रखनी पड़ती है, आप समझ रहे होंगे कि वीडियो में जो क्वेश्चन क्लास में हमारे बहुत 2 क्लास ले जाते हैं वो 1 क्लास में कवर करना होगा, ठीक है ठीक है। चलिए वैसे आपको बता दूं, वीडियो को वहां ऑप्शन आता है, आप क्लियरिटी बढ़ा सकते हो और आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो, जब आप यूट्यूब पर चलाओगे तो वहां ऑप्शन होता है साइड, स्पीड टीचर को स्लो करना फास्ट करना तुम्हारे हाथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर, बच्चे बात करते हैं 7th की, ये 7th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, आंसर बता दूंगा लेकिन किंतु
परंतु इंतु, ट्राई खुद करना होगा। ऐसे 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 शनि बच्चे, दिस इज ए बी, बॉम्बे पहुंचना आपको। ये सब के सब 24 ओम के हैं, 24 ओम, 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 24 ओम,
ट्राई करना तो तुम्हें आपको खुद पता लग जाएगा कि आंसर। बोलो ये कैसे है, दिस इज पैरेलल डायरेक्ट कर देना, इसका पैरेलल उल्टा करना, ये चारों का वन अपॉन करना करना 23, इसका कुछ आएगा, इसका कुछ आएगा, वो कुछ कितना वो सिर्फ तुम्हें पता है, कुछ का मतलब समझते हो ना। हाँ ऐसे बोला पर कुछ दिस एंड दिस तीनों किसमें होंगे सीरीज। ट्राई करना बच्चे, इसका आंसर आएगा तकरीबन 24.8 ओम, इसका आंसर है। खुद ट्राई करोगे और मुझे विश्वास है आप कर डालोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आपको पता है ना 20 क्वेश्चन कराने, कम से कम 15 प्लस क्वेश्चन कराने इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो देखो क्वेश्चन है ऐसे 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 दिस 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 दिस। चलिए दिस इज ए बी, ऐसे करते हैं इनको देते हैं, दिस इज 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 5 ओम 5 ओम। क्लियर है बच्चे, लगाइए दिमाग कैसे हो गए। वो सब सिंपल है, ए से कहां पहुंचना है बॉम्बे, कहां पहुंचना है बॉम्बे, बॉम्बे जब जा रहे सर ऐसे जा रहे थे, रास्ते से भट गए, और जब रास्ते डिवाइड होते हैं तो वो क्या होता है पैरेलल होता है। एक बात बताओ ये दोनों क्या हैं पैरेलल, कुछ आएगा ना, हाँ हाँ बोलो हाँ हाँ कुछ आएगा सर, और वो कुछ क्या आएगा सिर्फ तुम्हें पता है सर, डायरेक्ट कर देंगे दिस इनटू में दिस ओवर में दिस प्लस में दिस, जो ये होगा वही तो ये होगा, और ये दोनों जब आपस में ऐड हो जाएंगे बोलो सीरीज है कि नहीं है, तो बोलो कुछ आएगा, ये कुछ और ये कुछ, तीनों कैसे हैं पैरेलल, और वही क्या होगा आंसर। चलिए करिए जल्दी जल्दी 10 into 9, मेरे वीडियो लेक्चर देखने के बाद, पांचों टैब देखने के बाद तुम ऐसे करोगे मुंह जवानी, ओहो दिस एंड दिस सीरीज पैरेलल दिस एंड, तब तो है तुम्हें वीडियो देखने का फायदा, समझ रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट बच्चे मेरे एनडीए एयरफोर्स में बहुत जगह सिलेक्टेड है बच्चे, 12th करने के बाद बच्चा डीयू में, और एक बच्चा है जो नासा के अंदर, हेमंत नाम उस बच्चे का। चलिए वो सब आशीर्वाद हनुमान जी का, आप जानते हो आज हनुमान जयंती है, मेरे लिए सबसे अच्छा दिन। चलिए 10 into 10 over 10 plus 10 करिए 10 × 10 = 20, बोलो 20 काटो 5 ओम, जब ये 5 ओम होगा तो ये भी तो 5 ओम होगा, तो बोलो ये कितना बन गया 10, कितना बन गया 10। अब बोलो जब ये पूरा 5 5 + 10 बन गया ना, समझ आया नहीं है बात, पची कि नहीं पची, ये 5 ये 5, तो अब बताओ ये तीनों क्या है पैरेलल, 1/5 + 1/10 + 1/5 करो, बोलो कितना आएगा 10 2 + 1 + 2, बोलो 5/10 1/2, क्या बच्चे इसका उल्टा करेंगे, यस सर पैरेलल था 2 ओम, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है जी, क्वेश्चन नंबर 8 आपने कर दिया, अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है स्क्रीन पर, देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप खुद बता दोगे कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, इतनी देर में तो भेजा खुल गया होगा तुम्हारा। चलिए ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज ए दिस इज बी, मैंने आपको सपोज करो ये दे दिया क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज करके ज्यादा इजी हो गया। चलिए हमने क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ऐसे ऐसे, अरे तुम इतने बड़े कलाकार हो तुम्हारे लिए ये भी इजी रहेगा, ये 2 ओम ये 8 ओम, और इसकी वैल्यू हम देते हैं 3 और 12, 3 ओम
तीन ओम, 12 ओम, 4 ओम, 6 ओम करिए बच्चे, या फिर ऐसे करो इसको रखो 6 ओम, ये 4 ओम, बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं, करिए इसका आंसर क्या है, ट्राई करिए जल्दी से। अरे क्या लग रहा देखने में, जल्दी बताओ सर, यहां से जा रहे थे रास्ता सीधा सीधा था, लेकिन बिंदु परंतु इंदु रास्ते बट गए, डिवाइड हो गए तो ये पैरेलल बन गया, आप दो दोस्त थे जस्ट मैजिक बुलेट पे थे, सुनसान रास्ते से जा रहे थे, दो रास्ते बट गए, आपने कहा भाई ऐसे करो, अपने दोस्त का नाम ले लेना, आप खुद इमेजिन कर लेना, आपने कहा भाई आप इधर जाओ बाइक से, मैं इधर जाता हूं, दो रास्ते डिवाइड हो रहे थे। अब अगर आप अपने रास्ते में चलते हो तो आप सपोज करो शॉप है, दुकान है, एक दुकान आपको ऐसे मिली, एक दुकान इसमें, रास्ता मोड़ा ही तो है, डिवाइड तो नहीं हुआ ना, तो बोले ये क्या, ये सीरीज है नहीं है, और उस भाई के लिए भी तुम्हारे सीरीज है नहीं है, मिलना दोनों को एक जगह, याद रखना पैरेलल हमेशा, मेरी स्टेटमेंट सुनना, आगे आने वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओ अगर नहीं सुनोगे तो, पैरेलल हमेशा तब होगा जब रास्ता एक जगह से डिवाइड होगा और फिर एक जगह मिलना भी चाहिए, वही है सच्चा पैरेलल, क्लियर है, आगे जाके बच्चा गलती करता है तो ये सर जी डिवाइड भी हो रहा मिल भी रहा है, ठीक है, बोलो कितना, बहुत सारे बच्चे ने कर लिया होगा क्वेश्चन, बोलो 15 ओम, सर सीरीज तो है, बोलो 10 ओम, क्लियर है, नो दिक्कत। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दूं, ट्राई तो कर सकते हो ना, सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे एक एक कराना तो तुम समझते हो टाइम लग जाता है उसमें, ट्राई करना, बताओ ये 15 ओम है, ये कितना बच्चे 10 ओम, दिस एंड दिस पैरेलल, दिस एंड दिस पैरेलल, और जब ये पैरेलल होगा डायरेक्ट कर देना, कुछ आएगा ना, ये कुछ, ये कुछ और ये कुछ, तीनों का क्या होगा आंसर, और मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे इसका आंसर, लगभग बता देता हूं आंसर तकरीबन 12.7 आएगा, 12.7 ओम, ट्राई करना आंसर देता हूं, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर टेन, मुझे लगता है कि आप नव पढ़ी स्टार्ट कर दिया अपने क्वेश्चन, क्वेश्चन कोई भी आए उड़ा डालना। चलिए एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से नए वे में, दिस इज 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम, हरिओम। चलिए ट्राई करो, बताइए सब 5 5 ओम के इसमें कितना आंसर आएगा, पहले तो सीरीज पैरेलल बताओ कैसे होगा। ओहो सर हम यहां से चल रहे थे, रास्ता सीधा सीधा था, लेकिन किंतु परंतु इंदु, रास्ता डिवाइड हो गया, तो एक रास्ता तो ऐसे भाई दोस्त ऐसे गया, हम तो सर इस रास्ते में जाएंगे, एक दुकान मिली, यहां आके फिर रास्ते बट गए, तो तुम ये देखो ध्यान से दिस एंड दिस पैरेलल है कि नहीं है, अगर ये पैरेलल होगा तो इसका कुछ आएगा ना, कुछ तुम्हें पता है मुझे नहीं पता, कुछ आएगा, वो कुछ इसके साथ किस में बन जाएगा, सीरीज में, और जो कुछ ये आएगा, ये कुछ और ये कुछ दोनों कैसे बन जाएंगे, पैरेलल, बोलो कुछ आएगा ना, ये कुछ और ये कुछ क्या होगा, सीरीज, बच्चे क्या होगा आंसर। चलिए जल्दी करिए, दोनों को पैरेलल करने का तरीका, ऊपर करो गुना और नीचे करो जमा, 50 25 बटे में 10, बोलो 2.5 बनेगा नहीं बनेगा, बन गया, ये 2.5 है, ये 2.5 आया टोटल इसके साथ किस में, सीरीज में, जो भी आएगा ऐड कर लोगे, वो इसके साथ क्या करोगे, दिस इनटू में दिस और दिस इनटू में दिस कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, और जो भी इसके साथ आएगा पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन पॉइंट में आगे कोई बड़ी बात नहीं है, अगर यही चीज वैसे होती ना सिंपल वे में तो आप इजीली कर देते, जैसे 2 2 होते तो बड़े आराम से हो जाते, ट्राई करना और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, क्लियर है, ये क्वेश्चन मैं इसलिए आप पे छोड़ रहा हूं क्योंकि आप कर सकते हो, मेथड पता लग चुका आपको, क्लियर है, इसका आंसर आएगा बच्चे 8 ओम, 8 ओम, ट्राई करना, 8 ओम इसका आंसर आएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसकी जगह मैं देखो कैलकुलेशन पॉइंट में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं सर, अगर मैं इसकी जगह देखो, वैसे जब भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आता है वो ऐसे जब लेवल बढ़ा देता है तब पॉइंट में डाल देता है, जैसे 2 2 ओम के डालता है, ये 2 ओम ये 2 ओम, ठीक है, और ये 1 ओम, ये डालता है 2 ओम
और ये 2 ऐसे डालता, ओहो ये पैरेलल, 2 गुणा में 2 बटे में 2 प्लस में 2, 4 बटे में 4 काटो 1 ओम, ये पूरा 1 ओम। क्वेश्चन चेंज किया मैंने, सुनना ध्यान से, 1 और 1 क्या बन गया 2, बन गया 2। अब ये 2 इसके साथ किस में पैरेलल, 2 गुणा में 2 बटे में 2 प्लस में 2, 4 बटे में 4 काटो 1 ओम, ये पूरा भी कितना आ गया 1, 1 2 के साथ किस में सीरीज, आंसर 3 हो। एक सेकंड में आंसर बता दी तुमने, क्लियर है? तो क्वेश्चन अलग अलग पांच वाले का ट्राई करो खुद आप, क्लियर बच्चे, खुद आपको भी देता हूं ट्राई करके। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास स्क्रीन पर कुछ इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 10 को दें तो क्वेश्चन ऐसे रखा है, ऐसे ऐसे, हर बार क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बदलूंगा बच्चे, बदलाव आएगा, और एक ऐसे, दिस इज ए दिस इज बी, हम 6, 2, 5 और ये 3.5 रख देते हैं, चलो 6, 2, 5, 3.5 ओम, ट्राई करना, कर लोगे? पहले तो मुझे बता दो कैसे होगा, मैं अब देखने जा रहे हो तुम बच्चों के अंदर आईक्यू लेवल जाग चुका होगा कि सर होगा कैसे, ओहो सर ये तो पैरेलल है, इसका करेंगे कुछ आएगा, वो कुछ इसके साथ सीरीज बन जाएगा, जो कुछ आएगा वो इसके साथ पैरेलल बन जाएगा, और वो क्या होगा आंसर, कर लोगे? यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इसका मैं तकरीबन आंसर आपको बताऊं तो इसका आंसर लगभग 5 ओम आएगा, ट्राई करना, आंसर जो इसका है वो 5 ओम आएगा, ट्राई करना बच्चे, क्लियर है? सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे ऐसे भी होते हैं कुछ जब सीख चुके होते हैं हमसे ही सीखते हैं तो क्वेश्चन में भी गलती, बच्चे बहुत सारी बुक ऐसी हैं जो गलत आंसर देती है, कई सारी बुक है जिसमें अरियंत भी है, बहुत सारी बुक ऐसी हैं जो आपकी करतार वाली उस वाली बुक में बहुत गलत दे रखी है, ठीक है, गलती हर बुक कर देती है, तो आपको अपने लेवल पर देखना, चेक करना। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मैंने आपको ऐसे कहा कि कोई 2 एम्पियर नाम का करंट था जो ऐसे 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 करके सर्किट से जा रहा था, दिस इज ए और दिस इज बी, ठीक है, ये 2 ओम 3 ओम और इस वैल्यू को हम देते हैं बच्चे, ये 3 ओम और ये 2 ओम, ठीक है, आई दे रखा है, आर तो मैं निकालना, वी पूछ रहा वी कितना होगा, चलिए ट्राई करते हैं। सर जी पहले रेजिस्टेंस निकालो, मुझे एक बात बताओ 2 और 3 किसमें है सीरीज, बोलो कितना आ गया 5, ये भी किसमें सीरीज, बोलो 5, सर ये दोनों किसमें बच्चे पैरेलल, बोलो 5 × 5 ओवर 5 + 5 25 बटे कितना 10, बोलो 2.5 लिख सकता हूं, 2.5 ओम इसका आर आ गया बच्चे, क्या आया आर, क्लियर है? अच्छा बताना आई कितना है 2 एम्पियर, आर कितना है इतना, तुमने पढ़ा था ना बाबा ओम, V इज इक्वल टू आई आर, बोलो आई कितना है 2, बोलो आर कितना है 2.5, पॉइंट को हटा के मैं लिखूंगा तो 10 कर सकता हूं, जब इसे 10 करूंगा तो ओहो सर ये तो कट हो रहा है, 2 × 5 = 25, 5 वोल्ट आंसर होगा। अरे रेजिस्टेंस की हेल्प से भी पूछ लिया, कौन सी बड़ी दिक्कत है तुम्हारे लिए, तो ऐसे हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे आप बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हो, आप सुन रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो बहुत अच्छा, और आप जानते हो मैंने हर लेवल का क्वेश्चन, मेरे 5 टाइप में सारे लेवल के क्वेश्चन कर लोगे, जिस बच्चे ने शांति से भी 5 टाइप सुन ली ना बहुत आराम से और नोट्स बना लिए, उसके सामने वो चैलेंज करेगा सबको, भाई मेरे क्वेश्चन दे, मैं हर लेवल का क्वेश्चन कर दूंगा, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं तो देखो एक क्वेश्चन दे रखा ऐसे, और अब होगा ये कि तुम ये कहोगे हाँ हाँ सर हो जाएगा, अब धीरे धीरे देखना तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जाओगे। टाइप वन सर है क्या टाइप वन, ये बताइए, टाइप वन वो है जिसमें सीरीज और पैरेलल आराम से पहचान करने होंगे तुम्हें, क्लियर है? और जब ऐसा गेम आएगा ना बेटा टाइप टू में ऐसा गेम दिखाऊंगा
तुम ये नहीं पहचान पाओगे सर ये सीरीज है कि पैरेलल है, तभी तो वो टाइप टू है, वो तो मैं आपको वक्त आने पे बताऊंगा, पहले टाइप वन करो। चलिए मैंने ये दिया और सपोज करो इस बैटरी को मैंने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई और इसमें से करंट आई जाता है, ये 2-3-4 ओम के रेजिस्टेंस हमने दे दिए, क्लियर? अरे क्या पूछ रहा है सर जी, आई पूछ रहा आई, ये बात समझ आई कि नहीं आई? आई आई नहीं निकाल सकते आप, निकल जाएगा सर, पहले तो आर बताओ, आर कैसे निकलेगा, तीनों किस्में है पैरेलल, बोलो 1/2 + 1/3 + 1/4, बच्चे कर लोगे ना? अरे बोलो जब कर लोगे तो बोलो ये कितना बनेगा, 4, कितना बन गया 8, जब ये 8 बनेगा तो बोलो कितना बन गया, एलसीएम निकाल देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा एलसीएम, कुछ बच्चे सुनो सर एलसीएम निकाल नहीं आता, उन्हें बताए तुम बेटा आज एलसीएम निकालना, शर्माओ मत, जिसने करी शर्म उसके सारे फूटे करो, टेंशन नहीं लेना मत, शर्मा बता देता हूं एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, बच्चे ऐसे करते हैं 2-3-4 ऐसे करते हैं ना, फिर उसको इसका पाड़ा पड़ा इसका पड़ा इसका, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सीधा बताए तो ध्यान देना, जो भी सबसे बड़ी संख्या है नीचे, जो सबसे बड़ी संख्या है ये डायरेक्ट बता रहा हूं, बड़ी संख्या उसका पहाड़ा पढ़ना, उसकी टेबल पढ़ना और वो आंकड़ा लेना, वो संख्या लेना जिससे सब डिवाइड करें, जैसे देखो 4 × 4 2 से चला जाता है और ये 4 से जाता है, लेकिन 3 से नहीं जा रहा ना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें, 4 है, एक एग्जांपल और दूंगा तब बताऊंगा, क्लियर? चलो मैंने कहा 4 × 8, अब देखो 4 × 8 8 लिख देता मैं, गलत है ना, 8 भी गलत है सर, इससे जाते से 4 × 8 4 × 3 = 12, सर जी 2 से भी जा रहा 3 से भी जा रहा 4 से भी जा रहा 12, इसका एलसीएम, बात समझ आई है, क्लियर है, कर लोगे ना? अच्छा मैंने कहा 1/10 + 1/3 + 1/6, ये दे दिया मैंने, बताओ एलसीएम कैसे निकालोगे, तो आप 10 देखोगे 10 सबसे बड़ा है, अच्छा 10 × 10 नहीं जाता, 20 30 30 इससे भी जाता है, इससे भी जाता है, ओहो इससे भी जा रहा है सर जी, 10 × 3 = 30 30 इससे भी गया, इससे भी गया, इससे भी गया, तो इसका एलसीएम 30 आ जाए, 1/10 1/15 और 1/12, तो इस कंडीशन में तुम किसका पढ़ोगे, 15 का पाड़ा पढ़ोगे ना, क्लियर? 15 × 30 नहीं जा रहा, 3 × 45 = 60, ओहो सर 60 चला गया, 12 × 60 60, तो 60 इसका एलसीएम आ जाए, क्लियर बच्चे? तो ये है तरीका डायरेक्ट करने का, और नहीं तो बच्चा ऐसे करता है 10 15 12, पहले 2 से फिर 5 फिर 3 से फिर गुना करो, ऐसे नहीं करते, क्लियर है ना? चल ये था, बताओ इस क्वेश्चन को ट्राई कर लोगे, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें जो आर आएगा बच्चे वो आएगा 12/3 ओम, क्लियर है? आर आएगा 12/3 ओम, और पूछा क्या था इसमें, आई V is equal to IR, I is equal to क्या आएगा? V upon R, तकरीबन 11 एम्पियर के आसपास आएगा, क्लियर? मुझे आंसर थोड़े से याद है बच्चे, बाकी आप ट्राई करना और आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, हाँ सर संभावित यही आएंगे लेकिन फिर भी आप ट्राई करना, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है 11 एम्पियर I निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सर जी, क्वेश्चन नंबर 13 है IIT का, ओहो डर गए होंगे तो, IIT का सर, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 13 IIT में पूछा था, अब ये मत सोचना कि सर IIT का लेवल क्यों करा रहे हो, कुछ बदतमीज होते हैं तो ये सोचते हैं, ओ सर छोटा लेवल हो तो दिक्कत, बड़ा लेवल हो तो दिक्कत, हकीकत में वो खुद ही दिक्कत होते हैं, क्लियर है? टेबल अपने आप करना बच्चे, आपको लगना चाहिए कि हाँ बड़े लेवल तैयारी करोगे छोटा अपने आप हो जाएगा, क्लियर है? चलिए पढ़ते टाइम तो तुम्हें ये सोचना नहीं चाहिए सर इसका लेवल क्या है, अच्छा और देखना मेरे स्टूडेंट हो आप, आपके लिए बहुत इजी रहेगा ये क्वेश्चन, ऐसे करके ABC क्वेश्चन ऐसा था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, कहता है विच वन आर्म हैज लो रेसिस्टेंस, कौन सी भुजा ऐसी है जिसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, अब ये बताओ सर ये आर्म क्या होती है, बाजू, अरे इसकी बात कर रहा हूं ये आर्म है, देखो
आर्म क्या ए सी, ए सी एक आर्म है, बाजू है, ए बी एक आर्म है, बी सी एक आर्म है, क्लियर। कौन सी आर्म में सबसे लो रेजिस्टेंस होगा मुझे एक बात बताओ, पैरेलल में कोई चीज होगी वो उतनी छोटी होगी कि नहीं होगी? अरे सर छोटी कैसे होगी तुम बताओ। अरे मैं एक तो कह रहा हूं ऐसे कि बेटा दो और दो सीरीज है, और एक कह रहा हूं बेटा ऐसे कि देखो बेटा दो और दो पैरेलल है, ध्यान देना। तो दो और दो कितना बन गया, चार बन गया, लेकिन यहां कितना बन गया, एक बटे दो प्लस एक बटे दो, या फिर ऐसे कर लो डायरेक्ट टू इंटू में टू ओवर में टू प्लस में टू, बोलो कितना आ गया, चार बटे चार। बताओ कम कौन सी आई है, ये आई है ना, ये कम क्यों आई है, ये कम इसलिए आई क्योंकि सर ये बटे में होने लगती है, कोई भी चीज बटे में होगी तो डिवाइड होके कम आएगी नहीं आएगी। तो बताओ कौन सी आर में सबसे कम रेजिस्टेंस आएगा, बी सी में, क्लियर है? ये था क्वेश्चन, बच्ची क्लियर है ना, जो जितना अच्छा मुझे बताना, अगर मैं यहां ऐसे लगा देता तब बताना आंसर क्या होता, तब आंसर होता सर ए बी, जितना ज्यादा पैरेलल होगा रेजिस्टेंस उतना ही छोटा होगा। देखा था अभी दिया था क्वेश्चन 12 12 12 12 ओम, तो मैं लग रहा था खतरनाक है, और आंसर इतना सिंपल आया था 9 ओम 3 ओम आया था, क्लियर है एक आर्म का। तो ये आर्म होती है, ये क्वेश्चन पूछ रखा था, इसी तरह से बच्चे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आप नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 20 क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर ये सुपर 20 है टाइप 1 के, सुपर 20 टाइप 1। चलिए क्वेश्चन टाइप 1 में मैंने कहा आपसे ऐसे 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 एक बैटरी लगा देते हैं, इनको ऐसे करते सबको 5 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम, और ये बैटरी बैटरी से मतलब नहीं, हम ए भी कुछ भी लगा दिए, 12 वोल्ट की लगाई कुछ भी लगाई, सिर्फ आर बताना तुम्हें रेजिस्टेंस। अब ध्यान देना बच्चे, हो जी ए से निकलना बी पे पहुंचना, निकलो ए से ऐसे 5। अच्छा जब ये यहां आ गए तो बच्चे डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया तो पैरेलल बन गया, ऐसे नहीं कर सकता मैं। सर जी अगर आप ऐसे कह रहे हो बैटरी बैटरी मत बताओ, ए और बी बता दो, ऐसे करो पकड़ के खोल दो इसे, मैं इसे पकड़ता हूं इसे आप इसे पकड़ते हो, जब आप इसे ऐसे करोगे तो अरे सर तो हमारी ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन आपने हमें कराया था, बताओ ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। जब ये ओपन होगा तो देखो ए ए को खींच दिया, ये 5 ये 5 ऊपर मंदिर की तरह ऐसे टोपी बनी हुई है, 5 और ये 5, और बताओ क्या तुम्हारे लिए ये इजी नहीं है? अरे ये और ये क्या होंगे सीरीज, कुछ आएगा ये कुछ इसके साथ पैरेलल होगा, होगा कि नहीं होगा, और जो कुछ आएगा वो तीनों किस्म होंगे सीरीज, करो जल्दी 5 और 5 10 10 गुणा में 5 बटे में 10 प्लस में 5, बोलो 50 बटे 15 आप कट कर सकते हो, 5 से कट कर लो, 5 3 15 10 बटे 3 भी ला सकते हो, क्लियर। अब बोलो ये टोटल है 10 बटे 3, दिस प्लस दिस प्लस दिस तीनों किस्म है बच्चे सीरीज, तो 10 बटे 3 प्लस 5 प्लस 5, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। बताओ एलसीएम ले लेंगे बच्चे कितना आएगा, 10 प्लस 15 प्लस 15, बोलो 15 15 30 30 10 40 बटे 3, क्या इसका उल्टा करेंगे? नो सर, सीरीज में था तो उल्टा नहीं होता, 40 बटे 3 ओम इसका सही आंसर है, क्लियर है बच्चे? क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, डिवाइड कर लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं तो मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, आपको लगेगा क्वेश्चन घना खतरनाक दे रहे हो सर आप, लेकिन आपके लिए वो कुछ भी नहीं है, ऐसे 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 बच्चे सब पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसे 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 ऐसे, चलो रैम करते हैं, आप भी क्या कहोगे कि सर ने रैम कर दिया, बोर्ड पे क्वेश्चन है, सब नीचे सब ऊपर 2 2 ओम के 2 ओम
2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, नीचे 3 3 3 3 3 3 3, और बच्चे ए बी क्वेश्चन को ट्राई करिए, इस तरीके से ट्राई करिए, क्वेश्चन में क्या बनेगा करिए ट्राई। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। अरे ए से बी के पूछ रहे सर, हम एक बात बताओ, अगर गलती से इसके निकाल लें, जो ये होगा वही तो ये होगा, और जो ये होगा वही ये होगा, ऐसे ही तो होगा। चलिए बच्चे ये बताओ, ये 2 और 2 किसमें है, सीरीज। क्या परेशान हो गए? नो सर, ट्राई कर रहे हो ना बच्चे। मैंने हर जगह के हर बुक को ऐसे करेक्ट किया कि आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन कर सकते हो, तो 7 तो आपको देना होगा, आधे घंटे कम से कम निकालना तो होगा पढ़ाई के लिए। चलिए 2 और 2 4, बोलो 3 और 3 6, 4 गुना में 6 और 3 में 4 प्लस में 6, ऐसा क्यों सर? सर 4 और 6 किसमें है, पैरेलल, और ये सीरीज में थे। बच्चे सिर्फ एक का निकालो, बोलो 6 चक 24 बटे में क्या हो गया 10। सर जी ये तो 2.4 आ गया, आया नहीं आया? ओहो बेटा 2.4 एक का है, टोटल है कितने 4। ओ जी अगर मैं पॉइंट को अगर मैं नीचे यहां ऐसे लिख दूं, तुम्हारी घर से कुछ नहीं जाएगा ना, लिख सकते हैं सर, तो कट करो 2 दूनी 4 2 पंजी 10 24 दूनी 48 बट्टे 5। करेक्ट आंसर, मतलब सिंपल क्वेश्चन था। एक बार इस क्वेश्चन को आंखों की नजरों के सामने से निकाल लिए ना, जितने भी क्वेश्चन है, जब भी तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन रखेगा टीचर, जब तुम जाओगे पढ़ोगे देखोगे क्वेश्चन दिखेंगे क्वेश्चन पेपर में, तो आप देखोगे ओहो ये तो ऐसे ऐसे होगा सर, सॉल्व हो जाएगा, समझ लो बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, एक कदम तुम जा रहे हो ऊंचाई की ओर, बच्चे बने रहो बस लगे रहो इस नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो दबा के, मेरा मोटिवेशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मुझे लगे कि हाँ वीडियो डालते जाऊं। सुन लेना ध्यान से बच्चे, कुछ एयरफोर्स इंडिया वाले बच्चे देख रहे होंगे, टाइम मिला है तुम्हें, तुम सोच रहे होंगे सर वीडियो कंटिन्यूटी नहीं आ रही, वो वीडियो अब कंटिन्यूटी बनेंगी, क्योंकि नेट का इश्यू होता है आप भी जानते हो, दिल्ली में वहां नहीं था, यहाँ गाँव के अंदर ऐसा ही होता है, ठीक है? तो फिर भी मैं वीडियो कंटिन्यू डाल रहा हूं, मैं पूरा कंटेंट डालूंगा, जो तुम्हारा लेवल आ रहा है ना इस लेवल से, इस लेवल के क्वेश्चन इस लेवल पर पढ़ाऊंगा कि ये लेवल आराम से हो जाएगा। जिस बच्चा जो बच्चा पहली बार में पेपर दे रहा है वो ये सोच के चले कि मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, बस क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं, तो 16 में मुझे आंसर चाहिए इसका, जल्दी से जल्दी बताओ। मैंने मान चले क्वेश्चन नंबर 16 में ये तकरीबन ऐसे है, इसे दे देते हैं 30, इसे 15 और एक 2 ओम और लगा देते हैं, दिस इज ए और दिस इज बी, और ये 60 ओम का। अरे सर आप कुछ भी दे दीजिए, क्या ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान नहीं है? जल्दी बताओ, इजी नहीं है, है ना इजी? अरे जिस बच्चे ने पूरा लेक्चर मेरा देखा, पूरी वीडियो देखी है, वो तो बड़े आराम से बोलेगा ओ सर दिस एंड दिस, दिस एंड दिस पैरेलल, जो कुछ आएगा क्या आएगा, कुछ आएगा वो कुछ इसके साथ सीरीज में, जो कुछ आएगा वो इसके साथ पैरेलल में। ओहो क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर? चलिए आंसर इसका ट्राई करना, इसका बच्चे तकरीबन 17 ओम आएगा, 70 ओम, ठीक है ट्राई करना, आंसर हो जाएगा आपसे। हाँ जी कर लिया। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 17 एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ध्यान देना बच्चे कुछ ऐसे और ऐसे ऐसे, ये ध्यान देना, ये 6 ओम 6 ओम 4 ओम 4 ओम और एक ऐसे लगा दिया, दिस इज ए दिस इज बी, ठीक है जी, 6 6 4 4 और इसे हम देते सपोज दैट 5 ओम। बताइए ट्राई करिए क्या होगा, और तुम्हारे लिए बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चे, ट्राई करिए इसे क्या होगा, इस वैल्यू आंसर बताओ इसका क्या आएगा, बड़े आराम से आप निकाल दोगे जल्दी। 6 और 6 किसमें है, 6 और 6 किसमें है बच्चे, पैरेलल, सिंपल है सर, क्लियर है।
36 बटे 6 और 6 12 कितना आ गया 3। चार बोलो, 4 गुना में 4 4 into 4 plus 4 बोलो 16 ओवर कितना बन गया 4 4 8 2। ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 5 5 होगा, तो ये 5 बनेगा नहीं बनेगा 5 5 के साथ किसमें पैरेलल बोलो 5 into 5 और 5 plus 5 25 बटे कितना आ गया 10 सब्जी 2.5 हो हरे ओ आंसर हो गया कर लिया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। और एक बात और, जब भी बुक उठा के देखा हो ना, जब मेरे 5 टाइप कंप्लीट हो जाए उसके बाद कोई भी बुक उठा के देखना, ऐसा लगेगा प्रदीप एबीसी मॉडर्न जो भी आप पढ़ते हो, आईआईटी नारायणा जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, आकाश सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। क्लियर? चलिए बच्चे एक क्वेश्चन छोटा सा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 18 मैंने दिया, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे ऐसे दे दिया, अरे तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको क्या करते हैं सपोज चलिए बी यहां कर देते हैं, ये 12 ओम ये 4 ओम ये 4 ओम, बताइए बच्चे कितना आंसर आएगा, ये 12 ये 4, अरे कुछ नहीं सर मैंने घुमा दिया है, गेम खिला दिया, ऐसे कर दिया है, 12 और 4 किसमें बोलो बोलो 12 और 4 पैरेलल है ना, ठीक है, जो कुछ ये होगा ये इसके साथ किसमें बन जाएगा सीरीज, ट्राई आप करोगे क्लियर है, और इसका आंसर तकरीबन बच्चे आएगा आपका 7 ओम, ट्राई करना आंसर मैच करना, मैं आंसर इसलिए बता रहा हूं कि नेक्स्ट वीडियो में नहीं बता पाऊं, आपको आंसर बताने का मकसद है आप ट्राई करोगे आपका आंसर मैच करना चाहिए, डिसमैच कर जाए तो आप कमेंट में लिख सकते हो सर ऐसे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा बेटा हाँ आंसर गलत था, तुम गलत थे या तुम्हारा ट्राई अच्छा, तुमने अच्छा किया, क्लियर है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को मैंने ऐसे दिया, ध्यान से देखना बच्चे क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का है और ऐसे बनाता हूं, दिस इज ए, ये सपोज करो 7 ओम, दिस इज 14 और ई क्वेश्चन ऐसे ऐसे और ऐसे, दिस इज बी, ठीक है जी, ये 14 ओम है, ये 7 ओम है और ये से लेके 3 4 ओम, क्लियर ट्राई करो, और ऐसे देते थे 6 ओम, ठीक है ये क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए इसे, बताइए कितने ओम आंसर आएगा, कितने ओम आंसर हो, जल्दी ट्राई करके बताओ, पहले सीरीज पैरेलल पहचानो, वेरी सिंपल, सर जी यहां से जा रहे थे बताओ रास्ता डिवाइड हो गया, देख रहे हो ना हर चीज को पहचान लो, सीरीज पैरेलल क्या है, रास्ता डिवाइड हो गया, ओहो जो रास्ता इस वास्ते इस रास्ते में जाएगा, जो भाई से 2 दुकानें मिली बोलो दोनों किसमें सीरीज, दिस एंड दिस सीरीज, कुछ आएगा ना, ये कुछ इस कुछ के साथ किसमें है पैरेलल, जो कुछ आएगा ये कुछ और ये कुछ, तीनों क्या हो जाएंगे सीरीज, और बच्चे क्या होगा वो आंसर, क्या होगा आंसर, ट्राई कर लोगे, 6 और 3 कितना बन गया 9, 9 और 14 किसमें है पैरेलल में, जो भी कुछ आएगा ये यहां जो आएगा दिस दिस एंड दिस, तीनों किस्म हो जाएंगे फिर सीरीज, क्लियर है ना, करोगे ट्राई, इस क्वेश्चन क्वेश्चन आपका 19 है, ट्राई करना, इसका आंसर तकरीबन ऐसे आएगा, पॉइंट में आएगा, आर की वैल्यू आएगी 21.22 ओम के आसपास, क्लियर है इसका आंसर, ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर लास्ट लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और वो भी आप ही कर दिखाओगे, ठीक है जी, देखिए बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या कहा, दिस इज ए 1 ओम 1 ओम से स्टार्टिंग करते हैं ऐसे, और मान के चलिए एक क्वेश्चन दिया हम ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज बी, ठीक है ऐसे देते हैं, ये 3 ओम ये 6 ओम ये 4 ओम, इसको यहां मिला देते हैं, दिस इज 1 ओम, ठीक है बताइए बच्चे, अच्छा इसे ले लीजिए 2 ओम,
बताइए ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा? लास्ट क्वेश्चन है। अरे सिंपल है सर। ओहो सर आज यहां से जाएंगे पैरेलल, दिस रास्ता एक रास्ता एक रास्ता, तीन रास्ते अलग अलग है, तीनों एक पॉइंट पे आके मिल जाते, बोलो पैरेलल है नहीं है? जो इस रास्ते में जाएगा दिस एंड दिस, बोलो बोलो दिस एंड दिस, दिस एंड दिस सीरीज, यहां फाइव बनाएगा, दिस दिस दिस, तीनों किसमें हो जाएंगे बच्चे? पैरेलल। किसमें हो जाएंगे? पैरेलल। और इन तीनों का जो पैरेलल है वो इसके साथ किसमें बन जाएगा? सीरीज में। क्या आप, अरे 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/4 ऐसे ही तो होगा। अब इसका जो भी आएगा उल्टा करना मत भूलना, उल्टा जरूर करना आंसर को, वो इसके साथ किसमें हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा सीरीज। और इसके बाद जो आर की वैल्यू आएगी वो तकरीबन 3.18 के आसपास आती है, 18 ओम। ये आंसर है बच्चा 3.18। ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन था, टाइप वन कंप्लीट। टाइप वन में वो है जो प्यार से तुम्हें दिखाई देंगे कि सीरीज कौन सा है और पैरेलल कौन सा है, वो सारे क्वेश्चन थे बच्चे। बहुत अच्छा सहयोग दिया आपने, और ट्राई करना। ये 20 क्वेश्चन आपके टिप्स पे होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूं। मेरे टाइप 5 कर लिए, एक छठा टाइप भी है वो बताऊंगा अंत में, क्लियर है? अगर ये टाइप मेरे जो अकॉर्डिंग जो बनाए वो टाइप अगर ये कर लिया, आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन कर सकते हो, क्लियर है? और इससे पहले आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, मैक्सिमम शेयर करो इसको, क्लियर है? सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना। बेल आइकन से क्या होता है कि जो भी आप देखोगे मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी, क्लियर? सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर? और आपका सबसे चहेता चैनल नॉस्ट्रम स्टडी पॉइंट, जिसका मतलब है रामबाण, और कारागर यंत्र भी इसका नाम होता है नॉस्ट्रम का मतलब, क्लियर? जो कहीं नहीं मिलेगा वो तुम्हें यहां मिलेगा। ट्राई करना, बहुत बेहतरीन। ओके, बने रहिए नॉस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर। जय हिंद।